राधे राधे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाडू सुनीता वर्ल्ड। तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती, आप लोग को पता ही है, अभी कल ही तो इस वजह से भाव भी है, ज़्यादा तेज़ बोलना मना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ का ब्लॉग है। तो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज, और बहुत टाइम बाद जा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे उनको पता होगा कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करने कॉलेज तो जाना ही पड़ता है, ऑनलाइन भरने के बाद। तो चलते हैं कॉलेज, अगर आज दिखाऊंगी तो अपना कॉलेज भी आप लोग को दिखा दूंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में। फैमिली, यहाँ पे मैं तो कॉलेज से निकल रही हूँ, और अभी आपको दिखेगा मैं ऑटो में बैठी हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था ऑटो में बैठते हुए। बस आ गए थे, आप लोग देख ही सकते, घर में हूँ मैं। आप तो रास्ते की बनाई थी, कॉलेज में नहीं बनाई क्योंकि कॉलेज में आप लोग पता है भीड़ बहुत होती है और अच्छा भी नहीं लगता, मैम लोग थी इसलिए नहीं बनाई। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कॉलेजेस के, तो इसलिए। और आज भीड़ भी बहुत थी क्योंकि एडमिशन फॉर्म जमा हो रहे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म जमा हो रहे थे, काउंसलिंग वगैरह जो भी जिसका है सब चल रहा था। इस वजह से मैंने आज सबमिट नहीं किया, मतलब सबमिट किया मतलब फॉर्म और शूट नहीं किया, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, तो फॉर्म सबमिट कर दिया मैंने। और मेरी एक मार्कशीट लेनी थी सेमेस्टर की, तो वो भी ले ली। और उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ अपने प्रेजेंटेशन के जो फाइल्स थी वो मैम को सबमिट कर दी। मैम इतनी अच्छी, एट लास्ट उन्होंने सबमिट कर लिया। देख सकते हैं बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, मेरा दर्द भी हल्का हल्का हो ही रहा है। तो अभी चलते हैं, मतलब खाना खा लेते हैं क्योंकि इसमें मम्मी ने बनाई है तहरी, खा लेते हैं तहरी फिर आप लोग से मिलते हैं। आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे, पिज्ज़ा पिज्ज़ा तो बहुत मुझे बहुत पसंद है। तो पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज अनुराग ने ऑर्डर किया था, क्योंकि एक बाइट मुझे दिया, एक उसको दिया है अनुराग सक्षम को, एक मम्मी को, तो चार ही होते हैं चार। तो ये हमारा खाना। गर्मी बहुत है और क्या ही बताएं, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इस तरह मुझे सूजन लग रही, पता नहीं कैमरा में लगती है कि नहीं, मुझे तो लगती है। और गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों गर्मी इतनी है। लेकिन आज तो मतलब हल्की बजरी छाई है, थोड़ा बारिश वाला मौसम हो रखा है, लेकिन गर्मी कम नहीं है, बारिश हो भी नहीं रही है। आई थिंक कि पहाड़ी जो एरिया होते हैं वहाँ जल्दी बारिश होती, पर कश्मीर में बिल्कुल बारिश नामो निशान नहीं है। पता नहीं कब मानसून आएगा, पता इस साइड पोछो भी मुँह पसीना वगैरह तो अजीब सा लगने लगता है। तो बताइए आप सब आज का कॉलेज का, मैंने आप लोग को दिखाया ही वीडियो में, हवा से गेट खुला था। तो फैमिली, जिन्होंने अभी तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रोज़ रोज़ बोलती हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ, सब्सक्राइब कर दो। और गलती से भी हाथ नहीं लगना चाहिए तेज से। कल डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी, देखिए कितने बजे जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के घर जाना है। है वासु, वासु तुम कहाँ रहते हो? बगल वाले घर में। तो ये मेरे बगल वाले घर में रहते हैं, पड़ोसी हैं हमारे। तो बताओ वासु कुछ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। तो वासु फर्स्ट क्लास में है, मेरे पड़ोसी हैं ये। तो वासु, वासु बहुत सीधा है ना वासु, बोलो कुछ वासु। और बहुत अच्छा लड़का है, अपना पूरा नाम बताओ। वासु केसवानी नाम है इनका, अच्छा नाम है ना। और इनकी बहन, तुम्हारी बहन तुमको क्या कहती है? बिग ब्रो।
सोचिए, बिग ब्रो कहती है और तुम कनक, कनक और लिटिल सिस्टर भी तो कहते थे पहले, कहते थे, अब नहीं कहते, अब नहीं कहते। तो वासु की मम्मी बहुत अच्छा खाना, टेस्टी सा खाना बनाती है ना। वासु का एक दांत आगे का टूट गया मेरा इधर का। वासु तुमको पता है आज कल मैंने इधर का दांत निकलवाया है, कीड़े लग गए थे। तुम्हारे कीड़े लगे हैं? हाँ, दिखाओ। ओहो, देखो इसके भी दांत में कीड़ा लगा है। छोटे छोटे बच्चों की कम एज में दांत में कीड़े लग रहे हैं, मेरे भी लगा है, मैंने निकलवा भी दिया। तुम्हारा तो अभी गिरेगा, हाँ ये गिर जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे तो अभी दूध के दांत नहीं टूटे होंगे, है ना। मम्मी इतनी ज़्यादा पढ़ रही है। गर्मी की वजह से बाहर बैठे हैं थोड़ा, मतलब ये पूरा दिन हो जाता है अंदर अंदर अंदर, इसलिए नीचे आए हैं, बाहर बैठे हैं। आप समझ सकते हैं, नीचे भी किराएदार रहते हैं, ऊपर भी, और हम भी, हम लोग बीच में, उसके ऊपर भी किराएदार हैं। तो मकान मालिक कौन है, किसी दिन आपको वीडियो में दिखा देंगे मकान मालिक कौन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किराए पे रहते हैं, तो किसी दिन मैं आप लोग को बताऊंगी कि कितने रुपए किराया देते हैं हम लोग, सब कुछ बताऊंगी किसी वीडियो में कि कितना रुपए किराया देते हैं और क्या बिल वगैरह सब कुछ लेते हैं जो मकान मालिक हैं। पानी का बिल पड़ता है कि नहीं वो भी बताऊंगी कि किसी नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस बार, MCQs आएंगे, क्योंकि एक बार रिटन पेपर हो चुका है, मतलब टिक वाले, चार ऑप्शन रहेंगे उनमें, 80 में से 40 क्वेश्चन करने रहेंगे। अपनी चॉइस के 40 कोई भी कर लो, 80 में से। तो पेपर अच्छा आता है, देखेंगे एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसा आएगा, बताएंगे ज़रूर। और मैम इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मेरा असाइनमेंट ले लिया बिना डांटे। मैं तो डांट, मैं सोच रही थी डांट पड़ेगी, लेकिन डांट वाट नहीं पड़ी, मैम ने ऐसे ही ले लिया। और जाने ही वाली थी मैम भी, ये कहूँ मैं जा रही हूँ जूस पीने, मौसम्मी का, मौसमी का, और दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये अंकल आए, ये अंकल बना रहे हैं मौसम्मी का जूस, ये देखिए। कितने रुपए का देते हैं बताइए? 30-40 हज़ार। सुन लिया, और इतने का देते हैं बेचारे, धूप में घूम घूम के सबको जूस पिलाते हैं ना। धूप तो लगती होगी आपको भी, गर्मी लेकिन फिर भी क्या करें, काम है तो। तो ये देखिए जूस पीते रहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होगा बिल्कुल भी। और अभी हम लोग भी पीते हैं, बनवाते हैं, मौसमियों को छील लेते हैं, फिर उस डब्बे में रखते हैं जी। देखिए परी तुम भी आ रही हो, परी देखिए गाड़ी पे सो रही है, और इस मशीन में फिर डालेंगे, चलाएंगे। है क्या इसमें एक भी? तो ये देखिए मशीन के अंदर, नीचे 20 वाले पहले दो बनाइए, फिर और भी। तो देखिए मैंने मौसमी डाली हुई है, और फाइनली जूस बन रहा है। पीछे सुनो, थोड़ा पीछे जाते हैं अनुराग, ये देखो मैं कर दी। और किसके दवाई है? ध्यान दो कैमरे में, चाहिए से शूट करो वैसे परी। हाँ बंद कर दो परी, बताएं इधर आओ। अरे जूस पीने, और परी कह रही है आप मेरी वीडियो बना दीजिए, तो चलो थोड़ी सी वीडियो परी की बना लेते हैं। ये देखिए परी, निकालो जूस, ये हमारी पड़ोसन है, निकालो जल्दी। तो ये चद्दर लेके आए थे भैया, ये 500 की है, ये 500 की बता रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि मम्मी 200 लगाई हैं। ले ली चादर इनसे, इन भैया से, ये लखीमपुर के हैं। क्या नहीं बताएंगे, कहा रहे थे 300 के लिए है। ये देखो बता रहे हैं कि 300 के लिए है, साफ साफ झूठ बोलने वाले लोग नहीं, ये सच्चाई बताते हैं कि कितने के लिए है ना, 500 के लिए।
अब तो 300 की बता रहे हैं, देखो 500 की चादर दे के जा रहे हैं हम लोग को। चादर थी ऊपर वाली जो है उसी का सेम पीस हमने लिया हुआ है। और ये भैया हैं बहुत धूप में बेचारे घूम रहे हैं लेके लखीमपुर से। नाम क्या भैया आपका? राम सेवक हैं। कहीं भी आए इनको इनकी चादर लीजिएगा जरूर है ना वासु? और परी तुम भी कुछ बोल दो, चादर कैसी है? अच्छी है। परी अंधी हो गई है इसलिए छुपा रही है मुँह। हल्की हल्की सी बारिश लग रही है मुझे, आ रही है मौसम, देखिए बहुत अच्छा हो रखा है। तो अब हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं पे कर दें एंड, है ना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, मम्मी ने बोल दिया सब लोग सुन लो प्लीज़ यार, कर दो ना सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मी बाय करो।